चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गेट 2006 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि एक कंपोजिट स्लैब है, कंपोजिट स्लैब मतलब दो अलग अलग मटेरियल हैं उनको अटैच किया गया है, तो एक कंपोजिट स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, कंपोजिट स्लैब बना हुआ है। अब टेम्परेचर एट द इंटरफेस, ठीक है, ये जहाँ पर अटैच किया गया है वहाँ पर एक इंटरफेस बना होगा, तो वहाँ पर जो इंटरफेस है तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है इटी इंटरफेस आया, दे रखा है कि बिटवीन टू मटेरियल इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर एट टू एंड्स। टी इंटरफेस हमको दे रखा है कि जो टी इंटरफेस है ये एवरेज है टी वन प्लस टी टू डिवाइड बाय टू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रेस्पेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटीज, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, थर्मल कंडक्टिविटी के रिलेशन दे रखे हैं के वन और के टू के, वो निकालना है, ठीक है। गेट 2006 में क्वेश्चन आया हुआ था, देख लेना क्या क्या ऑप्शन है, पर हम डायरेक्ट यहाँ से रिलेशन निकालते हैं थर्मल कंडक्टिविटी का, ठीक है, के वन और के टू का। तो के वन और के टू का डायरेक्ट मैं रिलेशन निकालता हूँ, तो कैसे निकलेगा देखो, यहाँ से हीट ट्रांसफर हुआ होगा क्यू, ठीक है, तो क्यू तो दोनों के लिए सेम है, तो दोनों के लिए अलग अलग क्यू निकालेंगे और दोनों इक्वल हैं क्यू, तो इक्वल कर देंगे, तो दोनों के लिए अलग अलग क्यू कैसे निकलेगा। अगर मैं क्यू वन की बात करूं तो क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी के वन, एरिया कितना होगा, एरिया ए, ठीक है, एरिया भी दोनों का सेम है क्यू वन ए, और टेम्परेचर डिफरेंट टी वन माइनस टी इंटरफेस डेल्टा टी, के क्यू इक्वल टू के ए डेल्टा टी ओवर डेल एक्स, कितना है विथ टू बी, ठीक है। क्यू टू अगर मैं निकालूं तो के टू ए टी इंटरफेस माइनस टी टू डिवाइडेड बाई ये बी है, तो Q1 इक्वल टू Q2 तो है ही, ठीक है, तो ये बराबर कर देंगे, तो K1 A T1 माइनस T इंटरफेस डिवाइडेड बाई 2B, K2 A T इंटरफेस माइनस T2 डिवाइडेड बाई B, ठीक है, A से A गया, B से B, ठीक है। टी इंटरफेस हमको दे रखा है टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाई टू, तो यहाँ पर टी इंटरफेस की वैल्यू रख देंगे टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाई टू, इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई टू K2, T1 माइनस T2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, आया ये पूरा इससे कट गया, तो K1 इक्वल टू कितना आ गया 2K2, ठीक है, K1 इक्वल टू 2K2 आ गया, रिलेशन यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2007 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्या कि लॉन्ग ग्लास सिलेंडर ऑफ इनर डायामीटर 0.03 मीटर, लॉन्ग ग्लास सिलेंडर है इसका इनर डायामीटर हमको दे रखा है 0.03 मीटर, ये एक सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन डायामीटर दे रखा है, मतलब रेडियस हमको दे रखा है, चलो मैं डायामीटर ही लिखता हूँ, अब रेडियस में कहाँ लिखूँ, ठीक है, ये तो इसका जो डायमीटर हमको दे रखा है ना 0.03, आउटर डायमीटर इनर डायमीटर 0.03 और आउटर डायमीटर 0.05,
फाइव, ठीक है, कैरीज हॉट फ्लूड इनसाइड, मतलब कि यहाँ इसके जो ये ट्यूब टाइप का हो गया, हॉलो ट्यूब है उसका, ये अंदर से हॉट फ्लूड फ्लो हो रहा है, ठीक है, कोई हॉट फ्लूड फ्लो हो रहा होगा किसी टाइप का। इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द ग्लास, इस ग्लास सिलेंडर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 1.05 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस पूछा हुआ है पर यूनिट लेंथ ऑफ द सिलेंडर, थर्मल रेजिस्टेंस हमसे पूछा हुआ है, तो थर्मल रेजिस्टेंस सिलेंडर के केस में क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एल एन आर टू ओवर आर वन डिवाइडेड बाई टू पाई के एल, पर यूनिट लेंथ पूछा हुआ है तो एल हट जाएगा क्योंकि लेंथ पर यूनिट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एल एन आर टू, अगर मैं इसको आर टू या डी टू ओवर डी वन लिख दूं कोई बात नहीं, ठीक है। तो एल एन आउटर डायमीटर कितना है 0.05, इनर डायमीटर 0.03 डिवाइडेड बाय 2 पाई, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है 1.05, कितना आया, आएगा 0.077। तो थर्मल रेजिस्टेंस कितना आया केल्विन पर वॉट, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 2007 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसमें कह रहा है कि हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड कंडक्टिवली फ्रॉम ए सिलिंड्रिकल न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल रॉड ऑफ 50 mm डायमीटर, ठीक है। कोई न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल रॉड है, सिलिंड्रिकल न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल रॉड होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल रॉड होता है, ठीक है, वो आपको सबको पता होगा। उसका 50 mm डायमीटर दे रखा है, ठीक है, मान लो ये 50 mm डायमीटर है, टू वाटर एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, इस न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल रॉड, तो यहाँ पर वाटर है कुछ जो 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन द रेट ऑफ हीट जनरेशन विद इन द फ्यूल एलिमेंट, यहाँ पर हीट जनरेशन हो रहा है 10^6 वाट पर मीटर क्यूब, ठीक है, हीट जनरेशन विद इन द फ्यूल एलिमेंट, एंड द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशेंट जो एच दे रखा है वो दे रखा है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। आउटर सरफेस टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल एलिमेंट, मतलब ये जो फ्यूल एलिमेंट है इसका आउटर सरफेस टेम्परेचर हमको निकालना है, मान लिया टी नॉट, ठीक है, ये फ्यूल एलिमेंट है, यहाँ वाटर है जो 75 पर है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, तो क्या होगा, एनर्जी बैलेंस करें, एनर्जी बैलेंस ही होगी, जितना हीट जनरेशन होगा यहाँ पर जितना हीट जनरेट होगी वो हीट आउटर में ट्रांसफर होगी और कन्वेक्टिवली ट्रांसफर होगी, ठीक है, हीट जो जितनी जनरेट होगी फ्यूल एलिमेंट के अंदर वो हीट इस वाटर में क्या कहते हैं कन्वेक्टिवली ट्रांसफर होगी, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। तो क्या होगा, रेट ऑफ हीट जनरेशन इक्वल्स टू
रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कन्वेक्टिवली, रेट ऑफ कन्वेक्टिवली हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट जनरेशन, रेट ऑफ हीट जनरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कन्वेक्टिवली हीट ट्रांसफर। तो हीट जनरेशन कितना होगा, क्यू डॉट इंटू वॉल्यूम वी, क्योंकि ये पर यूनिट वॉल्यूम दे रहेगा, तो रेट ऑफ हीट जनरेशन क्यू डॉट रेट ऑफ हीट जनरेशन पर वॉल्यूम, ठीक है। और कन्वेक्टिवली कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये जो आउटर सरफेस है इससे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, एरिया, एरिया ऑफ द सरफेस जहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ इस फ्यूल एलिमेंट से ऊपर जा रहा है, टी नॉट माइनस वाटर का टेम्परेचर, ठीक है। रेट ऑफ हीट जनरेशन कितना है, 10^6, वॉल्यूम इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई बाई 4, डायमीटर डी स्क्वायर और लेंथ एल, एच हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, एरिया सरफेस एरिया, जो एरिया है सरफेस एरिया, क्योंकि जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो सरफेस से हो रही है, ठीक है। जो वाटर है ना इसके सरफेस के चारों तरफ है, तो हीट ट्रांसफर सरफेस से हो रही है, तो सरफेस एरिया कितना होगा, पाई डी सरकमफ्रेंस और लेंथ एल, पाई डी एल और टी नॉट माइनस टी डब्ल्यू, पाई से पाई कटा, एक डी से ये कटा, एल से एल कटा, 10^6 मल्टीप्लाइड बाई डी, डायमीटर 50 mm, ठीक है। तो इसको मीटर में करेंगे, 0.05 डिवाइडेड बाई 4, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 1000, टी नॉट हमको निकालना है, टी कितनी, ये देख टी डब्ल्यू कितना दे रखा है, 75, इसको कैलविन में करेंगे कितना आएगा, 75 प्लस 273 348, ठीक है। तो यहाँ से टी नॉट निकाल लेंगे कितना आएगा, 360.5 केल्विन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 2007 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि कंसीडर स्टडी वन डायमेंशनल, ठीक है, कंसीडर स्टडी वन डायमेंशनल हीट फ्लो इन ए प्लेट ऑफ 20 mm थिकनेस, स्टडी स्टेट दे रखा है, ठीक है। तो मतलब इंडिपेंडेंट भी टाइम से होगा, टाइम से टाइम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो वन डायमेंशनल दे रखा है, एक्स डायरेक्शन में ही हम मान लेंगे कि एक्स डायरेक्शन में ही हीट फ्लो हो रहा है, एज्यूम करेंगे हम, इन्हें प्लेट ऑफ 20 mm थिकनेस, ठीक है, 20 mm थिकनेस की प्लेट है विद द यूनिफॉर्म हीट जनरेशन, उसकी अब उस जो प्लेट उस वो जो प्लेट है उसमें किसी टाइप का हीट जनरेशन हो रहा है, मतलब कि उसमें किसी जो प्लेट के अंदर से ही यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म हीट जनरेशन, मतलब ऑल डायरेक्शन में जो हीट का फ्लो होगा वो सेम होगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि इस डायरेक्शन में थोड़ा सा इस डायरेक्शन में अलग है, इस डायरेक्शन में, तो यूनिफॉर्मली हीट जनरेट होगी और वो ऑल डायरेक्शन में सेम होगी, ठीक है। तो देखो 20 mm थिकनेस का है,
ठीक है, मान लिया ये 20 mm थिकनेस है, मतलब मैं मीटर में लिख रहा हूँ, 0.02 meter, 80 MW/m³ हीट जनरेशन है, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट है, ठीक है, हीट जनरेशन हो रहा है 80 MW पर, हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम हो रहा है 80 MW/m³, ठीक है। द लेफ्ट एंड राइट फेसेज आर कैप्ट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ 160 degrees centigrade एंड 120 degrees centigrade, ठीक है, केल्विन में कर लेता हूँ कन्वर्ट, 433 केल्विन, जो ये साइड है ये 433 केल्विन है, 393 केल्विन, ठीक है। द प्लेट हैज अ कॉन्स्टेंट के, प्लेट का कॉन्स्टेंट के है, वेरी नहीं कर रहा है, 200। फाइंड द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर विद इन द प्लेट फ्रॉम इट्स लेफ्ट फेस, लेफ्ट फेस ये है और राइट फेस ये है, ठीक है, तो मैं ये टेम्परेचर का है, ये मान लिया एक्स डायरेक्शन, इस फेस से निकालना है मैक्सिमम टेम्परेचर, निकालना है कि लोकेशन, लोकेशन निकालनी है कि किस लोकेशन पर, कितनी डिस्टेंस पर ओरिजिन से मैक्सिमम टेम्परेचर आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखो इक्वेशन होती है, हम इक्वेशन इसके डेरिवेशन होता है इसका ही पूरा, ठीक है, वहाँ से एक डेरिवेशन निकल के आता है हीट जनरेशन, जैसे किसी भी स्लैब के अंदर, अब केवल हम स्लैब की बात करेंगे यहाँ पर, मतलब प्लेट की बात करेंगे, उसके अंदर अगर हीट जनरेशन हो रहा है, ठीक है, अगर उसके अंदर हीट जनरेशन हो रहा है और यूनिफॉर्मली हीट जनरेशन हो रहा है, तो उसका डेरिवेशन क्या है, ठीक है, हीट जनरेशन हो रहा है और उस यूनिफॉर्मली हीट जनरेशन हो रहा है, कोई प्लेट है जिसका थिकनेस कुछ भी हो सकता है पर उसमें यूनिफॉर्मली हीट जनरेशन हो रहा है, तो उसका डेरिवेशन क्या है, उसका डेरिवेशन है भाई, फाइनल जो डिराइव करके आया है डेरिवेशन वो लिखता हूँ, और ओनली इन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो केवल एक डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैं वन डायमेंशनल लूँगा, वैसे थ्री डायम देखो, चलो मैं थ्री डायमेंशन पूरा लिख देता हूँ, क्या है, डेल स्क्वायर टी ओवर डेल एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स वाई जेड हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम, हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम है ये, ठीक है, डिवाइड बाई के, के कॉन्स्टेंट है तो के कॉन्स्टेंट को हमने बाहर ले लिया, ठीक है, कॉन्स्टेंट के है, अगर के कॉन्स्टेंट नहीं होता तो इसके अंदर उसका अलग होता, 1 by alpha डेल टी ओवर डेल टू, फाइनल डेरिवेशन ये निकल के आता है फॉर ए स्लैब, फॉर ए स्लैब इन विच यूनिफॉर्म हीट जनरेशन इज देयर, ठीक है, एंड थर्मल कंडक्टिविटी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो इन थ्री डायमेंशनल, अगर मैं वन डायमेंशनल की इसमें बात कर रहा हूँ तो ये जीरो हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो आएगा डेरिव वो आ जाएगा, ये आ गया। अब देखो उसने कहा है स्टडी स्टेट, ठीक है, तो टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, जितना इस सरफेस पे टेम्परेचर दे रखा है उतना ही रहेगा, कहीं भी चेंज नहीं होगा एट दैट पॉइंट, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टेम्परेचर होगा पर वो चेंज नहीं होगा, तो ये जीरो हो गया, तो यहाँ पर जो आ गया जीरो आ गया, ठीक है, जीरो आ गया। अब क्या होगा कि अब इसको हम सॉल्व करेंगे टी के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, टेम्परेचर के फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ से इसको ये मैं यहाँ से डी स्क्वायर टी ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस हीट जनरेशन
पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइड बाय के, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स माइनस क्यू डॉट के एक्स हो जाएगा और प्लस कॉन्स्टेंट सी वन आएगा। इंटीग्रेशन हमको करना आता है, बताने की जरूरत नहीं है, ये आ गया। अब यहाँ से फिर इसका ये हो गई पहली इक्वेशन, अब यहाँ से इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा टी माइनस क्यू डॉट के एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस सी वन का एक्स प्लस सी टू, तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये अब आ गया टेम्परेचर, पहले इक्वेशन, दो इक्वेशन निकल गई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से सी वन और सी टू की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी, बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे, ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। तो पहली बाउंड्री कंडीशंस क्या होगी, पहली बाउंड्री कंडीशन की x इज इक्वल टू जीरो पे एट x इक्वल टू जीरो, ठीक है, x इक्वल टू जीरो पे टेम्परेचर कितना है, 433 केल्विन, ठीक है, वो चलो यहाँ रखेंगे t, x इक्वल टू जीरो रखो यहाँ पर, दूसरी क्वेश्चन में x जीरो, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो 433 इज इक्वल टू C2 कितना आ गया, 433 आ गया, C2 की वैल्यू आ गई। अब ऐड, ठीक है, अब x इज इक्वल, तो C2 की वैल्यू आ गई, अब x इज इक्वल टू जीरो में, ठीक है, अब निकालेंगे C1 की वैल्यू, तो C1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, एट x इज इक्वल टू 0.02, x इज इक्वल टू 0.0 पे t कितना है टेम्परेचर, 393 केल्विन, तो x इज इक्वल टू 0.02 रखो यहाँ, तो 393 माइनस क्यू डॉट हीट जनरेशन रेट 80 मेगावाट पर मीटर क्यूब, तो 80 × 10⁶, क्योंकि मेगावाट है तो वाट पर मीटर क्यूब रखना, यहाँ पर हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, 80 × 10⁶। थर्मल कंडक्टिविटी के कितना है, 200, ठीक है, 200 आ गया, और x कितना है 0.02, तो 0.02 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस C1 निकालना है, x कितना है 0.02, C2 हमको पता है कितना है 433, ठीक है, तो यहाँ से C1 की वैल्यू आ जाएगी, तो C1 की वैल्यू क्या आएगी, कितने आएगी, सॉल्व करो, C1 की वैल्यू 0.02 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 433, तो 393 माइनस आंसर डिवाइडेड बाय 0.02, तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2000, ठीक है, C1 की वैल्यू 2000 आ गई। अब फॉर मैक्स, हमको मैक्स लोकेशन निकालनी है मैक्सिमम टेम्परेचर की, कि मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा कहाँ पर आया था। अब मैक्सिमम टेम्परेचर निकालने के लिए हम dT/dx जीरो होगा, देखो dT/dx जीरो होगा फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर, आपने पढ़ रखा होगा फॉर मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, या तो फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, फॉर मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन dT/dx जीरो होता है, या dy/dx करते थे हम, जीरो कर देते थे फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए, तो यहाँ dT/dx क्योंकि यहाँ पर y क्या है t और x क्या है x, तो dT/dx जीरो कर देंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो dT/dx जीरो कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस क्यू डॉट के वाई एक्स प्लस C1 की वैल्यू कितनी है, 2000, तो यहाँ से
क्या आएगी यहाँ से हमको क्यू डेट हो, अब यहाँ पर ये यहाँ पहुँच गया तो क्यू डेट क्यू एक हीट जनरेशन नेट पर यूनिट वॉल्यूम 80 × 10⁶ डिवाइडेड बाई थर्मल कंडक्टिविटी के, ये हो गया एक्स इज इक्वल्स टू 2000। ठीक है, ये इसको इधर को ले गए जीरो था 2000, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आ गई 5 mm, 5 mm आ गया। तो यहाँ से 5 mm की डिस्टेंस पर, मतलब 0.005, ठीक है। अब जैसे ये अगर 20 mm है तो 5, अगर ये 20 mm है तो 5 mm यहीं पर कहीं होगा, तो ये ऐसे जाएगा, देखो ये मैक्स, ये ऐसे यहाँ कहीं होगा 5, अगर ये यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये हो गई 5 mm, यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर आएगा, ठीक है, यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर आएगा, और ये 433 केल्विन ये है, ये वाला टेम्परेचर है, यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर आएगा, और ये 393 केल्विन है, ठीक है, यहाँ पर 393, यहाँ 433, और यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर का आएगा 5 mm, ठीक है, 10, ठीक है, तो निकल गया। अब इसमें एक, इसका एक पार्ट और है, इसमें ये, अब इसमें ये पूछा हुआ है कि मैक्सिमम टेम्परेचर विद इन द प्लेट, अब उसने मैक्सिमम टेम्परेचर भी पूछ लिया कि कितना मैक्सिमम टेम्परेचर है, हमें लोकेशन तो पता है कि 5 mm की डिस्टेंस पर है फ्रॉम द लेफ्ट फेस, अब कितना मैक्सिमम टेम्परेचर है वो निकालना है, तो कितना मैक्सिमम टेम्परेचर वो कैसे निकलेगा, एस की वैल्यू 5 mm पता है, कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देंगे, तो टी इज इक्वल्स टू, मतलब टी मैक्सिमम पता चल जाएगा हमको, 5 mm यहाँ रख देंगे, माइनस 80 × 10⁶ क्यू डॉट, के की वैल्यू 200, एक्स कितना है 5 mm, तो 5 mm, तो 5 × 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, C1 की वैल्यू हमको पता है कितनी है 2000, ठीक है, x कितना है 5 mm, 5 × 10⁻³ प्लस C2 की वैल्यू हमको पता है 433, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी एट x इक्वल टू 5 mm कितनी आएगी, डिवाइड बाई 2 × 10⁶ डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 433 प्लस 2000 प्लस 2 × 5 438 केल्विन −273 तो ये आएगा 438 केल्विन, ठीक है, अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड में लिखना है तो कितना जाएगा, इसको कर देंगे माइनस 273, तो ये आ जाएगा 165 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ये वाला, ये कितना है यहाँ पर 438 केल्विन, ठीक है, तो टी मैक्सिमम कितना हो गया 165 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है।